दोस्तों मैं दिल्ली में भी काम किया, लोहा लाइन में भी काम किया और स्पोर्ट में भी काम किया। स्पोर्ट में भी मैंने बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल पाकर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अंदर जो है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो देखते थे। एक उसमें मैंने एक वीडियो देखा था कि बड़ा नौकर बनने से कई गुना बेहतर है छोटा मालिक बन के रहना। तो मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। मैंने दोस्तों के रूम में, जो मेरा दोस्त का है एक, उसका स्कूल है, उस स्कूल में मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोला। उसमें सिलाई सिखाने के लिए, पेंटिंग सिखाने के लिए मैंने उसको भी सिखाया। हाँ, उस समय मैंने गांव से बहुत सारा मशीन मांगा था छोटा छोटा, और उस मशीन को मैंने यूज किया 6 महीना साल भर। और जैसे जैसे लोग मशीन मांगते गए, मैं मशीन देता गया, मशीन खरीदता गया, इस तरीके से जो है मैं कुछ कर पाया। तो दोस्तों आज स्वागत है। मैंने एक मशीन से स्टार्ट किया था पूरा ये सिलाई का काम, और मेरे पास कितना सामान है, कितना मशीन है, कितना जो है प्रेस है, और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वो हर चीज दिखाने वाला हूँ अपना दुकान। आज डेट में 2 रूम है मेरे पास, एक ये है, एक और है, और उसमें भी मशीन है, उसमें भी कटिंग टेबल है, हर चीज दिखाने वाला है। 2 सेटअप मैंने कैसे एक मशीन से, वो भी घर पे काम करके, इतना सामान लिया और मेरे पास क्या क्या सामान है, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं और कैसे क्या किए वो हर चीज बताएंगे। तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करूं और अच्छे से अच्छे मुकाम पर लेके जाऊं। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को। चलिए आप सभी को हर चीज एक चीज दिखाते हैं। देख सकते हो दोस्त, ये मेरा शॉप हो गया। शॉप के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है और आप सभी को दिखाते हैं डिटेल्स में। तो ये देखिए, मैंने एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया था। वो मशीन कौन सा है वो अंदर गोदाम में है, तो वो भी दिखाएंगे। और ये रहा मेरा काउंटर, यहाँ पे कटिंग करता हूँ। और ये देखिए, ये रहा मेरा आयरन। किसी के पास एक भी आयरन नहीं है, मेरे पास 5-5 है। तो एक और है अंदर रूम में, और 4 आयरन यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि कारीगर को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या एक खराब भी हो जाता है तो दूसरा है, यानी कि सामान का कमी नहीं है, जो पसंद पड़ता है हम ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये भी लॉन्ड्री आयरन है, काफ़ी छोटा, काफ़ी मज़ा आता है। और इससे हमको चाह इच्छा हुआ कि इससे हम बड़ा मशीन आयरन ले लें, तो इससे बड़ा जो है, ये देखिए, ये चौलाई में भी है और वजन में भी ज़्यादा है, जब हमने कोट सीख रहा था। और ये देखिए, इसके बाद ये लिए हमने स्टीम आयरन। ये हर आयरन का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हो। उसके बाद ये देखिए, ये LPG गैस वाला आयरन है, जैसे कि कभी भादो, बरसात या लगन में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, क्योंकि आजकल कोयला का जो आयरन है, कोयला वाला भी था तो वो मेरा ख़राब हो गया, तब कोयला हमने छोड़ दिया हाथ लगाना, क्योंकि स्टैंडर्ड से काम करो फिर कोयला हाथ में लगाओ, और कोयला का जमाना जब्त हो गया भाई, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो हमने LPG गैस ये ऑनलाइन परचेज कर लिया। और ये रहा मेरा मशीन, ये भी पुराना मशीन नहीं है, जो मेरा फर्स्ट वाला मशीन नहीं है, फर्स्ट वाला भी मशीन दिखाएंगे आप सभी को। और इसका एग्ज़ाम है, साहब जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, और आज दुकान में मैं अकेला हूँ, दोनों भाई नहीं, भाई हम और ये जाहिद। तो ये आज मेरा ये मशीन रहा उषा का, ये भी फर्स्ट मशीन नहीं है। और ये देखिए JK4, जो आप सब इस पर वीडियो को देखते हो। और ये रहा मेरा इंटरलॉक का मशीन, ठीक है। और फिलहाल जो है इस शॉप में, इस दुकान में इतना ही है। हाँ, एक चीज़ तो भूल गए, ये देखिए PC, ठीक है। और ये हमने आप सभी को जो वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए हमने इसको रखा है, देख सकते हो, ठीक है, और इसको अपलोड भी करते हैं। तो ये जा रहे हैं जनाब एग्ज़ाम देने, और चलिए चलते हैं दूसरे रूम में और दिखाते हैं उसमें क्या क्या है। तो आपने देख लिया ये आयरन, एक और आयरन है वो भी दिखाएंगे। और ये रहा स्टैंड जिसपे आप सभी को वीडियो शूट होता है, और सिलाई का वीडियो शूट जो है इस पे होता है, ये देखिए, ठीक है। और चलिए दूसरे रूम में और दिखाते हैं। इसमें तो दिखाने के लिए और कुछ नहीं रहा मेरे हिसाब से, चलते हैं। और हर देखिए, यहाँ भी एक आयरन बोर्ड यहाँ पे लगाकर और काम होने लगता है लगन में, क्योंकि आयरन की 2-3 सुविधा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये रहा मेरे पास, ये बटन बनता है इससे, ठीक है, जैसे कि कोट में 100 बटन लगाना हो, सेम बटन लगाना हो जिससे बन जाता है, या सूट वगैरह में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग चलता है सूट में बनाने के लिए। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में और आप सभी को दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो वो भी रूम जो है इसी रूम के अंदर है, ये गेट रहा इसको खोले, चलिए। और ये काफ़ी ज़्यादा रूम है, ये देखिए, ये भी है, ये मेरा जो है दोस्त का ही है,
और इसमें क्या चीज़ है आप देख लो, दूसरे वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत ही फास्ट चीज़ में लगाए हुए हैं। ये भी एक रूम है और ये देखिए ये गोदाम है, बगल में जो है किराना दुकान है उसी का सामान रखा हुआ है। और ये रहा मेरा बिल्कुल शांतिपूर्वक रूम जिसमें उधर ज़्यादा शोरगुल होता है, तो मैं इसमें वीडियो शूट कर लेता हूँ। ये रहा और ये देखिए आप सभी का सेटअप, या किसी किसी वीडियो में देखने को मिला होगा। और उसमें जो अलमीरा था वो इसमें हमने शिफ्ट कर दिया। और ये रहा हमारा काउंटर और ये रहा पंखा जब गर्मी ज़्यादा होता है तो, और उसमें विंडो नहीं है तो इसमें विंडो है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता है। अभी जो है धान का खेती हो रहा है, देख सकते हो धान का खेती हो गया है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहा आयरन, वो हमने जो बोला है एक और आयरन जो है, तो ये आयरन रहा मेरे पास एक और, ठीक है। और ये रहा पिको मशीन, देख सकते हो, ठीक है। और मेरे पास एक और जो है यहाँ पे स्टेन है। और ये रहा मेरा फर्स्ट मशीन हिमालया, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और ये मशीन मुझे काफ़ी जो है क्या बताएं, जिसको लक्ष्मी बोल सकते हो, फर्स्ट जो है इसी से हमने स्टार्ट किया था और देखिए आज इस मुकाम तक हमने पहुँचा है। और आप देख सकते हो इसमें बस और कुछ नहीं, इतना ही है सामान। तो मैंने वो हर एक चीज दिखाने को कोशिश किया हूँ और वो चीज दिखाया भी हूँ। और इसमें जो है काम कम रहता है। और आप सबको मैंने जितना सामान दिखाया है आप कमेंट करके देख बताना कि क्या ये मैंने जो सामान लिया है ये क्या रियल में यूजफुल है और अभी जो है कोई कारगर नहीं है। और लगन में बहुत ज्यादा काम चलता है और लगन में मैं बहुत अब कम काम करने वाला हूँ क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे रहा है इसके वजह से, ठीक है, क्योंकि मैं मेन कटर हूँ। और हाँ, इसे अगर मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ तो वो आप सभी को मिल ही जाएगा देखने को, अभी नहीं, अभी लेट है, काफी ज्यादा लेट है, उसका तैयारी अभी जारी है। तो आप जुड़े रहोगे इस ब्लॉग से माध्यम से पता चल जाएगा। हाँ, और आप सभी को भी कुछ बड़ा करने को मौका मिलेगा किसी काम से करके, किसी काम को करके। और मैं आप सभी को, क्योंकि ये ब्लॉग है मेरा सिर्फ दर्जी नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको कहेंगे कि अगर लाइफ में कुछ करना है, बनना है, कुछ हौसला है आप सभी को, कुछ सपना है, तो चाहे कोई भी लाइन हो उसमें आप दिल से एकदम जुनून के साथ काम करो, बिल्कुल अपने जुनून के साथ। और हाँ, जितना बड़ा सपना है ना उतना ज्यादा मेहनत करो, जितना बड़ा सपना है उसे कई गुना ज्यादा मेहनत करोगे फिर जाके वो सपना आपको पूरा होगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है जब मैं एक रुपये भी नहीं कमा पा रहा था दोस्त, मैं पढ़ाई के साथ में कमाई कर रहा था, बहुत मैंने मजबूरियां देखा है और उस मजबूरियों को देखते हुए मैंने बहुत ही जुनून के साथ ये काम किया है। और मैंने बहुत सारा चीज ट्राई किया, मैंने ऑफलाइन भी सिलाई सिखाया हूँ और मैं सिलाई सीखा भी हूँ, तो सिर्फ सिलने के लिए सीखा हूँ, मैं एक कारीगर के नाम से जाना जाता था और मुझे किसी ने कटिंग नहीं सिखाया, काफी ज्यादा मेहनत करके मैंने कटिंग सीखा, बहुत सारी जगह घूमा। तो दोस्तों मैं दिल्ली में भी काम किया, लोहा लाइन में भी काम किया और स्पोर्ट में भी काम किया, स्पोर्ट में भी मैंने बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल पाकर मैंने छोड़ दिया क्योंकि अंदर जो है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो देखते थे। एक उसमें मैंने एक वीडियो देखा था कि बड़ा नौकर बनने से कई गुना बेहतर है छोटा मालिक बन के रहना, तो मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। मैंने दोस्तों के रूम में, जो मेरा दोस्त का है एक, उसका स्कूल है, उस स्कूल में मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोला, उसमें सिलाई सिखाने के लिए, पेंटिंग सिखाने के लिए मैंने उसको भी सिखाया। हाँ, उस समय मैंने गांव से बहुत सारा मशीन मांगा था छोटा छोटा और उस मशीन को मैंने यूज किया 6 महीना साल भर। और जैसे जैसे लोग मशीन मांगते गए मैं मशीन देता गया, मशीन खरीदता गया, इस तरीके से जो है मैं कुछ कर पाया। और हाँ, लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है हम कैसे करें ना करें, तो बिल्कुल बेवकूफ है, जिसके पास कुछ नहीं है वो कर सकता है लेकिन उसके पास जुनून होना चाहिए, पैसा हो या ना हो जुनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और मेहनत ही होना चाहिए, फिर वो जाके कुछ कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपसे भी बता दिया कि मेरे पास एक भी मशीन नहीं था, मैंने गाँव से मशीन मांगा था, लगभग मैं बता दूं कि 70-80 आदमी से मैंने मशीन मांगा था तो मैं 10 या 12 मशीन इकट्ठा कर पाया था। और उसमें से भी मशीन कोई ने, किसी ने 1 महीने में ले लिया, किसी ने 20 दिन में ले लिया, किसी ने 2 महीने तक साथ दिया, किसी ने 5 महीने तक साथ दिया, किसी ने साल भर तक साथ दिया। तो उस भाइयों को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनको जो है मैं बहुत इज्जत देते हैं उनको, क्योंकि गाँव के लोग मुझे बहुत सारा हेल्प किए
और जो मशीन दिए मशीन उसी मशीन द्वारा मैंने सिलाई सिखाया, पेंटिंग सिखाया, धीरे धीरे मैंने मशीन परचेज किया, ऑफलाइन सिखाया, फिर मैंने दुकान डाला, दुकान में भी बहुत सारा प्यार मिला और मैं काम करता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काम बहुत सारा किया, जैसे कॉमेडी का किया, सिलाई का किया, मोटिवेशन का किया, बहुत सारा काम किया। फिर मुझे पता हुआ कि नहीं भाई, मैं जिस लाइन में हूँ कामयाबी हो या ना हो, क्योंकि मुझे लत हो गया था, यूट्यूब का लत पड़ गया था, वीडियो नहीं डाले तो मुझे मन नहीं लगता था। तो दिन में कारीगर का काम करते थे, दिन में जो दुकान है उसका काम करते थे और रात में यूट्यूब का काम करते थे। ना जाने कितने रात हमने गवाए हैं और कितना रात मैंने नहीं सोया, फिर जाके मेरा ये मुकाम हासिल पाया। तो आप सब से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस लाइन पे हो दिल से मेहनत करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं पढ़ाई भी किया हूँ तो मैं अच्छे खासे पढ़ाई किया हूँ। मैं BSc फाइनल हूँ, ITI भी है और कंप्यूटर भी है, लेकिन फिर भी मैंने इस लाइन को चुना क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई जो अपना काम है ना, यानी कि मैं बता दूं दूसरों का बड़ा नौकर बनने से कई गुना बेहतर है छोटा मालिक बन के रहना। तो मैंने इस काम को फॉलो किया, जो एक औठा छाप भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, हर काम जो है बड़ा छोटा नहीं होता है, काम करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज है। तो मैंने आप सभी ने देखा कि वो मैंने आज ये इतना मुकाम पाया और आप सभी को प्यार इतना ज्यादा मिलता है, इससे मुझे और क्या चाहिए। इसलिए मैं अब यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे दिया हूँ, दुकानों पर कम दिया हूँ, लेकिन दुकान छोड़ूंगा नहीं। दुकान जितना करूँ, एक ही पीस करूँ, दो ही पीस करूँ, मैं काम करूंगा, क्योंकि ये मेरा यही फैशन है, ठीक है। और इसको मैं बहुत बड़ा लेवल पर करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब करूंगा आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। हाँ, और जो लोग मेरे मेन चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उस पर सिलाई सिखाता हूँ, उस चैनल का नाम है RS Fashion Designer Boutique। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो वो चैनल पर जा सकते हैं सर्च करके RS Fashion Designer Boutique पे, और जो वहां भी वीडियो देखते हैं और इस वीडियो को भी देखते हैं तो कमेंट करना कि मैं RS Fashion Designer से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन लोगों के लिए तहन से मैं हार्दिक शुक्रिया का बधाई देता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हो यहाँ भी, और जो सपोर्ट दे रहे हैं मुझे नहीं, उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं भी कुछ करूंगा, आप सब भी कुछ करोगे, इसलिए इस चैनल पे आ रहे हो मोटिवेशन के लिए। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।